हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल एमएससी वेट आपका स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे जो आप भेष देख रहे हैं वो ये ऑक्सलेट पॉइजन ग्रसित थी और इसका पूर्व में पैरावेट्स के द्वारा 3-4 दिन इलाज किया गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके कारण हमें बुलाया गया और हमने इसका इलाज किया गया तो हमारे इलाज से बिल्कुल ये सही हो गए। अब इसका इलाज क्या है आपको पूर्व पुराने वीडियो में भी ऑक्सलेट का मैंने ट्रीटमेंट बताया है लेकिन यह ब्रीफ में बता देता हूँ क्योंकि यह कॉम्प्लिकेशन हो गया था, कुछ कैल्शियम वगैरह ज्यादा चढ़ा दिया था तो उसके कारण तो उसको मैं फर्स्ट टाइम तो हमने इसको फिर फ्लूट थेरेपी देने का निर्णय लिया और फ्लूट थेरेपी में हमारे द्वारा 2 लीटर NS, 2 लीटर DNS और 1 लीटर इसको भी हमारे द्वारा 25% डेस्ट्रोज दिया गया, साथ में फ्रूसामाइड दिया गया यूरिनेशन के लिए और फ्रूसामाइड के साथ में हमने मल्टीविटामिन ट्राइब्यूट यूज किया गया और भी आप रूमेरिक भी यूज कर सकते हैं, अन्य जो भी आपके पास मल्टीविटामिन वो यूज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है उसमें क्योंकि इन्फ्लामेशन होता तो इन्फ्लामेशन के लिए इसको मेलोनेक्स पावर दिया गया इंजेक्शन, थोड़ा सा इन्फ्लामेशन इसमें ज्यादा लग रहा था और रेस्पिरेशन इसमें प्रॉपर नहीं होने के था उसमें तो हमने क्लोरफेनिरामिन मिलिएट इंजेक्शन लगाए गए और उसके बाद ये 3 दिन कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला और ये भैंस अच्छी हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि आप इसको इस प्रकार के केस को अच्छे से हैंडल करें ले और उसको अकॉर्डिंग टू लिटरेचर आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। धन्यवाद।